नाज़रीन जब इलेक्शन आते हैं ना तो इलेक्शन से पहले ना मौसम तब्दील हो जाता है और फिर यहाँ के बासी वहाँ और वहाँ के यहाँ होना शुरू हो जाते हैं। सारा बानो साहबा, वादों की तरह, कस्मों की तरह और मौसम की तरह मैं आपसे पूछ लूँ कि तुम भी बदल तो ना जाओगे, क्योंकि GDA के कुछ लोगों की पीपल्स पार्टी में शमूलियत की बातें हो रही हैं, तो मुझे बताएं कि आपका क्या इरादा? जी मेरा ताल्लुक मुस्लिम लीग फंक्शनल से है, पीर साहब पगारा की जमात से। अब ज़ाहिर है GDA ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस हुआ था, वो सिर्फ इलेक्शन की हद तक हुआ था, तो जब ये गवर्नमेंट जाएगी तो वो आज़ाद हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। तो आप भी तो आज़ाद हैं ना, अगर आप बड़े लोग आज़ाद हुए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वैसे भी मुस्लिम लीग फंक्शनल की हूँ। नहीं पीर साहब के मतलब वो, मैं तो अपनी मुस्लिम लीग फंक्शनल पार्टी में हूँ। आपको कोई ऑफर नहीं आई है कहीं से? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं जी। देखिए ऑफर, अब मैं क्या इतनी बड़ी बात करूं, क्योंकि कमज़ोर बंदों को ऑफर आती है, मुझे कोई ये आपने वैसे बड़ी बात कर दी। सबको पता है बैक, हाँ जी सबको बैकग्राउंड का भी पता है और सबको ये भी पता है कि कोई यहाँ से हिल नहीं सकता, तो बेफजूल है ऑफर देना। अच्छा तो ये जो हो नहीं सकता। अच्छा चले मैं छोटी सी जसारत ये भी कर लेती हूँ कि ये जो एक रिफ्ट सा चल रहा है ट्विटर पर, फिरदौस आशिक अवान साहिबा, एक रिफ्ट सा पैदा हुआ है। आपके एक ट्विटर हैंडल, सायरा बानो नाम का एक ट्विटर हैंडल है जिन्होंने जवाब दिया है फिरदौस आशिक अवान साहिबा को, पहले तो ये तस्दीक कर दें, इज इट योर्स? हेलो, चले मेरा ख्याल से कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं तो उसको हम जरा दूर कर लेते हैं। नईमा किश्वर साहिबा, अब तो हो गए, मुलाकात के लिए भी दुबई बुला रहे हैं मियाँ साहब, मौलाना साहब को, और आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन भी कर दिया। मुझे बताएं कि अब जो भी तहफ़ुज़ात थे मौलाना फजल रहमान साहब को, वो अब दूर हो गए हैं वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद, और दुबई जाके मज़ीद दूर हो जाएंगे? देखिए लीडर अंसरान साहिबान की मुलाकातें होती है, उनके जो आपस के मशवरे हैं होती रहती है, उसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती। हर जमात की अपनी पॉलिसी होती है, अपने मंजूर होते हैं, उसके मुताबिक चलते रहते हैं। हम पार्टियां तो हम जम तो नहीं हुए, जाहिर है हमारी अपनी अपनी जमातें होती है, अपना हमारा मंशूर होता है, अपनी पॉलिसियां होती है, और बहुत सारे इश्यूज होते हैं, हम उस पर किसी में साथ हो किसी में साथ नहीं होंगे। तो ये तो कोई इलेक्शन इत्तेहाद तो नहीं है कि हम हर चीज में हम साथ होंगे, तो लीडर्स है उनकी मुलाकात। कोई ऐसा फीलर तो नहीं है कि मौलाना साहब को साइड लाइन किया जा रहा है, क्योंकि मौलाना साहब ने बड़ी एफर्ट्स की हैं, चाहे वो PDM का धरना हो, चाहे वो PDM की कयादत हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक पुराना धरना हो। तो यही मैं अर्ज कर रही हूँ ना, देखिए ये हमारा तो जो PDM है, PDM इलेक्शन का इत्तेहाद तो नहीं है ना, तो ये तो एक सियासी इत्तेहाद है। बहुत सारे इशू होंगे जिसपे हमारे हम एग्री नहीं होंगे, बहुत सारे इश्यूज होंगे जिसपे हम एग्री होंगे, तो ये हमारे हर जुमात का अपना अपना जुमात है ना, हर लीडर अपनी जुमात का लीडर होता है। चलिए ठीक है सारा बानो साहब जी, अब फर्क करें ठीक है, ये लीडर्स के अपने आपस के वो होते हैं, उनके मुलाकातें होती रहती है, उनके इश्यूज होते रहते हैं, तो इंशाल्लाह ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। चलें ठीक है, मुझे सारा बानो साहब फिर मैं आपसे वहीं पे आ जाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था। मुझे बताएं कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने ट्वीट किया बकायदा। जी जी वो मेरा अकाउंट नहीं है, वो आई डोंट नो किसके है, वो मैंने FI मतलब मैंने उसकी कंप्लेंट भी की है, एप्लीकेशन मेरी गई हुई है कि वो मेरा अकाउंट नहीं है, तो वो उस अकाउंट से पता चला, जवाब दिया। बाकी वो बड़ी है, अगर उनको कुछ ऐसा लगता है तो यहाँ पर तो वो क्या कहते हैं, आज़ादी इजहार राय है, हाँ, बिल्कुल वो ऐसा समझती है तो वो कह सकते हैं, लेकिन मतलब मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया। मतलब जाहिर है आप हर किसी को तो जवाब नहीं दे सकते ना, अगर कोई किसी को आप सबको भी नहीं अच्छे लग सकते, आपकी बातें सबको भी नहीं अच्छी लग सकती। नहीं तो उन्होंने कह दिया, वाकई कोई बहुत ज्यादा रिफ्ट है आप दोनों के बीच में? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मतलब मैं तो उनको इतना जानती भी नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने बड़ा स्पेसिफिकली पॉइंट आउट किया ना आपको, मैं इसलिए पूछ रही हूँ जी। वो आप उनसे पूछ लीजिए, लेकिन मेरा उनके साथ ऐसा कुछ नहीं है, और वो कहती है हर किसी की अपनी राय है, वो मुझे ऐसा समझती है तो उनकी मर्जी, हजारे मैं क्या कर सकती हूँ, अपनी राय तो नहीं, मैं उनको किसी को जबरदस्ती ठोस तो नहीं सकती। चले
ठीक है, मैं महमूद मौलवी साहब से, जी जी महमूद मौलवी साहब से सवाल करती हूँ, फिर हम ब्रेक ले लेते हैं। महमूद मौलवी साहब, आपने कहा था कि ईद के बाद जो है वो बड़े बड़े नाम जो है वो शामिल हो जाएंगे आईपीपी में, कौन से बड़े नाम है जो रह गए हैं, अभी तक शमूलियत क्यों नहीं हुई है? देखिए, अभी बातचीत हो रही है, उसकी वजह यह है कि नेगोशिएशन उनसे भी हो रही है और इंशाल्लाह आप थोड़े ही वक्त में देखेंगे कि और भी लोग आ रहे हैं। मेरे ख्याल से कल भी पंजाब में ज्वाइनिंग हो रही है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में सिंध में भी मतलब हम काफी ज्वाइनिंग करेंगे। अच्छा चले, मैं सिंध के डायनामिक्स को एक मिनट के लिए साइड पर रख के पूछती हूँ एज अ पार्टी रिप्रेजेंटेटिव। उस्मान बुज़दार साहब की कोई एंट्री की गुंजाइश है पार्टी में? वो एक पार्टी को तबाह करने के बाद क्या दूसरी पार्टी को भी चांस उन्हीं को देना पड़ेगा क्या? नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने मेरे ही प्रोग्राम में मुझे बताया था कि वो काफी बार रब्ता कर चुके हैं और वो ऐसा बैगेज जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगी पार्टी, तो वो उनकी तरफ से कोई रब्ता हुआ है? देखिए, मुझे नहीं पता, तो मैं कभी गलत स्टेटमेंट नहीं दूंगा। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है कि ऐसा कोई रब्ता नहीं हुआ है, ठीक है, तो कम से कम मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा जो कल को मुझे मैं जवाब नहीं दे सकूं। अच्छा चले, मैं फिर एक छोटा सा सवाल और कर लेती हूँ अगर मेरी टीम मुझे थोड़ा सा रूम दे दे, और वो ये है कि एक खबर ये भी चली थी, अब जाहिर है कि आप इसकी तस्दीक कर दे तरदीद कर दे, कि शाह महमूद कुरैशी साहब जब आपकी मुलाकात हुई, आप लोगों ने डिस्कस किया, तो उसके बाद जब वो, जैसे कि आपने फरमाया कि एक दो दिनों में आ जाएंगे, मेरे ही शो में आपने कहा कि एक दो दिनों में वो बाहर आ जाएंगे और वो आ भी गए, गो के प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने लेट की और वैसे एक्सपेक्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं थी, एक मूवमेंट चल रही थी कि शायद उनके और जहांगीर तरीन साहब के बीच में मामला ठीक हो गए हैं और वो भी आईपीपी ज्वाइन करने वाले हैं, मगर कहीं से उनको रोक लिया गया। नहीं, देखे, एक चीज मैं आपको बता दूं, देखे इनके क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है और क्या, क्योंकि पुराने हैं मतलब मुझे नहीं पता, मगर ये जो कहना है कि कहीं से रोक लिया गया, कि देखे शाह महमूद कुरैशी साहब तो बेसिकली पीटीआई में वो थे कि खान साहब ने कहा था कि वो उनको जो है हैंड ओवर कर देंगे अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हुआ या मैं नाहल हुआ। अब मेरे ख्याल से उसी का इंतजार कर रहे हैं कि देखें कि क्योंकि अभी केसेस चल रहे हैं, बहुत सी चीजें ओपन है, तो और क्योंकि देखें ना, बेगम साहब के केसेस भी चल रहे हैं, तो अगर उस किसी केस में वो मतलब उनको कुछ सजा होती है या वो पॉलिटिकली नाहल होते हैं, तो वो मेरे ख्याल से शाह साहब उसको ही हैंड ओवर करना पड़ेगा, उसके अलावा तो इस वक्त कोई और तो है नहीं। ठीक है, और आपको चांसेस भी लग रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और उनकी बेगम साहिबा जो हैं वो जुमरे में आने वाले हैं? हाँ, उसकी वजह देखें बहुत सारे केसेस और चीजें नजर आ रही है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि देखें हम मतलब आप दूसरों को तो सब कहते हैं, मगर आप खुद भी तो देखें ना, अपने गिरफ्तारों में तो सबको देखना पड़ेगा, बहुत से केसेस अब ओपन हो रहे हैं।